सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल बाय लव चौधरी। हमने पिछले वीडियो में मिक्सर 4.3 तक कंप्लीट कर दिया था। हम इस वीडियो में मिक्सर 4.4 करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी फॉर्म में निकल सकते हैं। जैसे पहले में लिखा हुआ है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसके एंगल से उनका नाम रखना है ए बी सी, मार्क ए पॉइंट बी इन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर पी पॉइंट उसके अंदर मार्क करना है, और जो क्यू है उसके एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर मार्क करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही है। मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया, मैंने इधर ये ट्राइंगल बनाया, मैंने ट्राइंगल इधर साइड बनाया, मैंने ए इधर साइड बनाया, बी इधर साइड बनाया, डी सॉरी सी लिख दिया, ए बी सी ए वन बन गया। अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट बना दूंगा पी नाम का, इसके अंदर एक पॉइंट बना दूंगा क्यू नाम का, क्योंकि इसमें लिखा है क्यू इन एक्सटीरियर एंड पी इन इंटीरियर। सो ये है, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो चुका है पूरा। आप देख सकते हैं कितनी इजी फॉर्म से मैंने ये कंप्लीट करा दिया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर, मतलब ये है इसमें तीन ट्राइंगल हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले हम देख लेते हैं, पहले ये यहाँ से यहाँ तक ए डी और सी का एक ट्राइंगल बनना है, फिर ए बी डी का एक ट्राइंगल बनना है, फिर ए बी और सी का पूरा एक ट्राइंगल बनना है। तो तीनों ट्राइंगल हो गए इस फिगर के। तो पढ़ते हैं इसके मेन क्वेश्चंस की तरफ जो है, राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स, तो इसमें सात एंगल जो बन सकते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो हमारा पहला जो एंगल बन सकता है वो है जो वो है ए, क्या है ये लिखा है, हाँ सात एंगलों के नाम लिखने हैं। तो वो हैं हमारे बी ए सी, एक हमारा है, एक बी ए डी हमारा है इसमें, एक सी ए डी हमारा है, एक ए बी ए डी बी हमारा है, ए डी और बी एक हमारा है, और इसमें एक ए डी सी हमारा है, और एक ए बी सी हमारा। ये सात एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे सेवन पूरे, सॉरी ए सी डी, ये 1 2 3 4 5 6 7, पूरे सात एंगल हो चुके हैं। पार्ट नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट से जो एंगल बन सकते हैं उनके वो लिखने हैं। तो पहला बनेगा हमारा ए बी, दूसरा बनेगा ए सी, तीसरा बनेगा बी सी, तीसरा बनेगा ए डी, बी डी, डी सी, तो ये हमारे सात लाइन सेगमेंट के एंगल्स बन सकते हैं। लास्ट है विच टू ट्राइंगल्स हैव बी एज कॉमन, मतलब जो दो ट्राइंगल हैं उन कौन 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 से बीच में बी कॉमन लिया गया है। देखिए पहली बात ए बी डी, ये ट्राइंगल में बी कॉमन है बीच में, फिर जब हम इसको उल्टा भी लेंगे जब भी हमारा बी कॉमन हो जाएगा तो ये दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे। इसे उल्टा लिख लीजिए या सीधा लिख लीजिए, दो साइड से हो जाएंगे तो हमारी इस तरह पूरी होती है कंप्लीट। देखिए आगे कोई भी वो क्वेश्चंस नहीं है। तो अगली एक्सरसाइज वो हमारी है 4.5, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसमें भी बस तीन क्वेश्चन है। फिर हमारी है ये 4.6, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न आने वाली है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी कम्प्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।